अब और गलत। अरे वो तो अमेरिका से पढ़ के आए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिग्री है उनके पास। क्या फायदा ऐसी डिग्री का आनंद जो इंसान का इंसान से नाता ही तोड़ दे। जानते हो अगर ये फैक्ट्री बंद होगी ना तो यहाँ के तमाम परिवार बिखर जाएंगे, लोग अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हो जाएंगे और पलक झपकते ही ये पूरा शहर उजड़ जाएगा। इधर आओ आनंद, देखो देखो उस छोटे बच्चे को, क्या ये मुस्कुराहट कोई लौटा सकेगा? और वो बूढ़ा किसान, उसके चेहरे पे तो इस बात का डर है कि कहीं उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी तो उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, इस उम्र में नई जिंदगी कैसे बसाएगा। क्या तुम्हें इन लोगों की तकलीफें, इनका दर्द महसूस नहीं होता? इनकी आंखों में छुपे हुए आंसू नहीं दिखते? अगर मैं कभी भी तुम्हारे देव से मिली, कभी उससे मेरा आमना सामना हुआ तो एक सवाल जरूर पूछूंगी, क्या फायदा उसकी अमेरिका की पढ़ाई का, इन थ्योरीज का, इन डिग्रियों का, अगर वो इन तमाम नाउम्मीद लोगों को जीने की एक उम्मीद ना दे सके। आनंद, नीचे खड़ा हुआ हर आदमी, हर औरत, हर मजदूर, हर किसान, इस टाउन हॉल में बैठे तमाम लोग सिर्फ इसी बात के इंतजार में है कि कब देव उनके लिए उम्मीद की वो किरण लेके आएगा और उनकी जिंदगी में खुशियां भर देगा। मैं भरूंगा शालू, मैं भरूंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा देव बनने के लिए तैयार हूँ शालू। रियली आनंद? हाँ शालू, आज आज अगर तुम मुझे आसमान से तारे तोड़ने के लिए भी कहोगी ना, मैं वो भी कर दूंगा। मैंने मैंने तुम्हें कितना गलत समझा शालू, लेकिन तुम तो जो भी हो बहुत अच्छी हो। थैंक यू आनंद, थैंक यू सो मच। सरिता जी, ये सस्पेंस क्यों रखा जा रहा है महाराज? कहाँ है आपका देव खन्ना? मिस्टर मित्तल, मिस्टर मित्तल, मैं यहाँ हूँ। हाय एवरीबॉडी। हाय। हाय निमी। हाय। हेलो हेलो। शालू तुम पागल हो गई हो? ये तो बेचारा आनंद है। अच्छा, मुझे तो मालूम नहीं था। शालू डोंट बी फनी, तुमने इस आनंद को देव कैसे बना दिया? टेंशन मत लो निमी, मैं देव से भी अच्छा देव बन के दिखाऊंगा। यस, मर गए। रिस्पेक्टेड सरिता जी, कमिटी मेंबर्स और मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, अमेरिका में जो बात मैं नहीं सीख सका वो ये कि बिजनेस में सेंटिमेंट्स की कदर करनी चाहिए। खैर, जो बात अमेरिका मुझे नहीं सिखा सका वो आपके शहर पालमपुर ने मुझे सिखा दिया। ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस शहर को मुसीबतों के रास्ते से निकाल के तरक्की के रास्ते पे ले जाऊंगा। ये इन लोगों को क्या हो गया है, हर डायलॉग पे ताली बजा रहे हैं। और ये झूठे वादे नहीं है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये कि मैं इस साल आपको सेबों के 800 रुपए पर क्विंटल के बजाय पूरे 1000 रुपए पर क्विंटल दूंगा। ये पागल हो गया है क्या? खुद तो डूबेगा, हमें भी डुबाएगा। ये सब तूने सिखाया क्या? ये मैंने तो 800 रुपए पे मानने को कहा था, ये इडियट तो फैल गया है। ये देव साला तो पलटी मार रहा है एकदम से। मुझे तो कुछ लोचा लगता है। तुम जाके रूपचंद और खूबचंद से पता करो कि माजरा क्या है। जी। एक खुशखबरी और, एक खुशखबरी और। अब और क्या बाकी रह गया है? हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, एक ऐसा एप्पल जूस जिसका मुकाबला कोई भी जूस या कोल्ड ड्रिंक ना कर सके, और उसका नाम होगा रिफ्रेश। इतना सब वो खुद नहीं सोच सकता, 100% तुम्हारी पकाई हुई बातें हैं। दी, बिलीव मी, ये सब खुद बना बना के बोले जा रहा है। अगर मुझे पता होता ना तो इसको मैं यहाँ लाती नहीं। कब तुम एक कचुम्बड़ बना के इसी के जूस में डाल के पूरे शहर को पिला दूंगी। आइए आइए आइए, किधर? वो देखिए, वो खड़ा हुआ है। ये तो ड्राइवर है जी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। चलिए भाई नीचे चलिए। अरे सकल सही धोखेबाज है ये। ड्राइवर है ड्राइवर, देव बन के सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। ओह शट अप। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही देव खन्ना, इंडस्ट्रियलिस्ट दिनेश खन्ना का बेटा। अरे दिनेश खन्ना का ड्राइवर का बेटा है। झूठ ना बोलियो मित्तल साहब। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। बोल चुकी मैडम जी, बोल चुकी। मार कंटा आप साले को, अभी उगल देगा। मिस्टर मित्तल, आप वही ड्राइवर हैं? सच बोलियो, सच बोलियो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं ही देव खन्ना हूं।
आई एम सॉरी, मैं तो क्या इस हॉल में किसी को भी इस बात का यकीन नहीं कि तुम देव खन्ना। चलो सच सच बता, ये मिस्टर खन्ना का बेटा देव खन्ना ही है ना, या कोई ड्राइवर है? शालू, मैं ही देव हूँ। शालू, शालू मैं ही देव हूँ। शालू, मेरी तरफ देखो, जवाब दो। देखा यारा, ये है देव खन्ना। बोलो देव खन्ना साहब की जय। ये लीजिए मेरा इस्तीफा। मम्मा आई एम रियली सॉरी, मैं तो सिर्फ आपकी मदद। चलो प्लीज, आइंदा कभी मेरी मदद करने की कोशिश मत करना। मामा, अरे खन्ना साहब आप? अब कैसी तबीयत है आपकी? जी ठीक हूँ। छोड़ो छोड़ो, डैड 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 ओह डैड, आई एम सो ग्लैड आप आ गए। ये देखिए, ये लोग यकीन ही नहीं करते कि मैं आपका बेटा देव हूँ। समझा दीजिए इनको, प्लीज 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 बताइए इनको। हाँ ये मेरा बेटा है देव। हाँ देखा, सुन लिया आपने मैं कौन हूँ। चलिए हटिए हटिए यहाँ से, मेहर बनने आए थे। सचमुच देव खन्ना ही है। ओके, अरे क्या कर, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से खिसकते हैं। अब आप लोगों को यकीन आया कि मैं ही देव खन्ना हूँ। और सुनिए, जो भी वादे मैंने आपसे किए वो झूठे नहीं है। आज जो भी इसने आपके लिए किया है मुझे उस पर नाज है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम दोनों बाप बेटे